दिशा स्पर्धा परीक्षा केंद्र, मार्ग उत्तम यशाचा, MPSC, UPSC, सरळ सेवा, पोलीस भरती, सैन्य भरती इत्यादींसाठी आजच प्रवेश निश्चित करा. संपर्क प्राध्यापक वासुदेव पाटील 7262098417. दिशा स्पर्धा परीक्षा केंद्राची स्थापना केली, जेणेकरून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना या संधीचाही फायदा उपलब्ध व्हावा आणि अत्यावश्यक फी न भरू शकत असतील तर मग कमीत कमी फीमध्ये जास्तीत जास्त क्वालिटी देण्याचा आमचा दिशा स्पर्धा परीक्षा केंद्राचा मानस आहे. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव. मैं आपका मेज़बान हाफिज़ अब्दुल रहीम पटेल. आइए डालते हैं बहुत अहम खबर पर एक नज़र. नाज़रीन, मुल्क में जहरीले बयानबाजी का सिलसिला ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. एक वो जब दिल्ली इलेक्शन से कबल BJP के रहनुमाओं ने जहरीला बयान दिया था, कभी गोली मारो, कभी मंदिर को तोड़वाओ, कभी बोली से नहीं मानोगी तो गोली से मनवाएंगे, ये सिलसिला जारी था. लेकिन BJP की ज़बरदस्त हार के बाद भी BJP के लीडरों की तरफ से जहरीले बयान सामने आ रहे हैं. अभी फिर BJP के सीनियर लीडर और छोटी सनातों के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कल अचानक शाम देवबंद के देवीकंड पर वाक़ महाकालेश्वर ज्ञान मंदिर पर आश्रम के स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से मुलाकात के लिए देवबंद जब पहुँचे, गिरिराज सिंह ने बंद कमरे में उनसे करीब आधा घंटा बात की और फिर मंदिर में जाकर पूजा पाठ किया. बाद अजा साफियों से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि जो लोग CAA और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं वो CAA के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे बल्कि गज़वा हिंद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं. ऐसे लोग गज़वा हिंद को भारत में लाकर मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन हम इनका यह मकसद किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा कि शरीयत तरमीमी एक्ट को लेकर मुस्लिम समाज में कुछ गलत फहमियाँ हैं, जिसमें अपोजिशन जमातें और इनकी इमदाद पर चलने वाली तंजीमें उसमें आग और घी डालने का काम कर रही है. अपोजिशन जमातों को मुल्की मफाद में लाया गया शहरियत तरमीमी एक्ट और दुनिया में नरेंद्र मोदी की अच्छी छवि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है. आज मुल्क दुनिया में एक मजबूत सुतून की तरह हर मामले में अहम रोल अदा कर रहा है, जिस पर बौखलाई हुई अपोजिशन जमातें अपने वजूद की बका और मोदी हुकूमत को नुकसान पहुंचाने के लिए बेशर्मी की हद तक जाने की फिराक में है. उन्होंने कहा कि शाहीन बाग का धरना साबित करता है कि वहाँ शर्जिल इमाम जैसे मुल्क मुखालिफ मौजूद है. हिंदुस्तान से आसाम को काट देने की बात कर मुल्क में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं. हालांकि शर्जिल इमाम के बात को इतने ज़ोरों से उठाया जा रहा है, लेकिन वहां पर फायरिंग हुई और ये भी कहा गया कि इस मुल्क में सिर्फ एक ही धर्म के ज़ात के लोग रहेंगे. और 3 रोज़ तक कभी जामिया कभी शाहीनबाग में फायरिंग की गई, लेकिन गिरिराज सिंह ने वो बात कही नहीं और शर्जिल इमाम की बात को टारगेट बनाया गया. गिरिराज सिंह ने दिल्ली में BJP को मिली शिकस्त पर कहा कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, वरना जीती हुई बाजी हम कैसे हारते. गिरिराज सिंह ने ज़्यादा आबादी को कंट्रोल करने वाला कानून बनाए जाने का मुतालबा करते हुए कहा कि ये हिंदुस्तान और ख़ासतौर पर हिंदुओं के लिए बहुत ज़रूरी है. हिंदुओं की कम हो रही आबादी पर अफसोस का इजहार करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि मुल्क के लिए आबादी का तनासुब एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है. उन्होंने कहा कि मुसलमानों की आबादी इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है कि उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों का मजहबी तवाज़ुन बिगड़ गया है. बिहार के किशनगंज ज़िला की 80% आबादी मुस्लिम हो गई है. इसी तरह उत्तराखंड के हरिद्वार में भी 35% आबादी मुस्लिमों की हो गई है. गिरिराज सिंह को मुस्लिमों की बढ़ती आबादी से भी काफ़ी परेशानी हो रही है और वो ये कह रहे हैं कि ये हिंदुओं और हिंदुस्तान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है.